सो हे गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ हाउ टू बी अ यूट्यूबर सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक बेसिक टॉपिक को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने गेम प्ले को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं विद इंटरनल ऑडियो अगर हमारे पास ज्यादा हाई एंड डिवाइस नहीं है तो। मुझे नहीं लगता आपके पास मुझसे अच्छे डिवाइस नहीं होगा क्योंकि मैं यूज करता हूँ रियलमी यून 4GB और 64GB वेरियंट और मैं अपने सारे गेम प्लेज और स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसी एप्लीकेशन का यूज करता हूँ जो कि मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। बाकी अगर आपकी डिवाइस में ठीक ठाक पबजी प्ले हो जाता है तो आपका गेम प्ले भी इजिली रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पबजी प्ले नहीं करते हो कोई दूसरा गेम प्ले करते हो तो उसका भी स्क्रीन इजिली रिकॉर्ड कर सकते हो विद इंटरनल ऑडियो। सो अगर मैं इन वीडियोस की सीरीज की बात करूं तो मैं 4-5 वीडियोस और अपलोड करूंगा कि आप प्रोफेशनली वीडियोस कैसे अपलोड कर सकते हो, अपने गेम प्लेस को कैसे एडिट कर सकते हो। सो इस तरह की मैं 4-5 वीडियो बनाऊंगा और हाउ टू बी अ यूट्यूबर की 4-5 वीडियोस की सीरीज अपलोड करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अगर हम बात करें आज की इस वीडियो की, सो हम गेम प्ले को रिकॉर्ड करने के लिए एक एप्लीकेशन का यूज करेंगे जिसका नाम है एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर और आपको अभी टाइटल में 2021 होगा। सो वो इसलिए क्योंकि हम एक ही एप्लीकेशन को एक बार सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में 1 साल 2 साल 3 साल हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम उसी एप्लीकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और उसी एक ही एप्लीकेशन का यूज हम आगे काफी टाइम तक कर सकते हैं। हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें उसका कोई अपडेट मिलेगा या ऐसा कुछ। सो स्क्रीन रिकॉर्ड करने से पहले कुछ हमें सेटिंग्स करनी होगी इस एप्लीकेशन में जो कि मैं आपको बता देता हूं। तो अभी भी मैं इसी एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। सो हमें क्या करना है, अपने इस एप्लीकेशन के अंदर जाना है और उसको हमें जाना है सेटिंग्स में। सो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स दिख जाएंगी तो मैं जो आपको बता रहा हूँ आप वह यूज़ कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा रेजोल्यूशन, इसमें मेरा जो है इस डिवाइस का रेजोल्यूशन 1560x720 ऐसा कुछ है। यहाँ पे आपका डिवाइस का रेजोल्यूशन आ जाएगा सेकंड नंबर पे तो आपको उसको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में बिट रेट आपको ऑटो रखना है, फ्रेम रेट 60fps रखना है, ओरिएंटेशन ऑटो रखना है, टाइम लैप्स डिसेबल करके रखना है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। रिकॉर्ड ऑडियो को हमें इनेबल करके रखना है। उसके बाद आउटपुट डायरेक्टरी जहाँ पे हमारा गेम प्ले सेव होगा, फिक्स ग्रीन स्क्रीन इसको डिसेबल करके रखना है। इसको हमें कंट्रोल ऑप्शंस में हाइड रिकॉर्ड विंडो सो इसे हमें इनेबल करके रखना है। उसके बाद में यूज़ मैजिक बटन इसे डिसेबल करके रखना है। उसके बाद में स्टॉप ऑप्शंस नोटिफिकेशन हमें कर देना है, लाइक अगर हमें अपने गेम प्ले को रिकॉर्डिंग बंद करनी है तो हमें सिंपली अपने नोटिफिकेशन पैनल को स्वाइप करना होगा और ऊपर हमें ये डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा यानी कि स्टॉप करने का। उसके बाद में यहाँ पर काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट, उसका डिसेबल पॉपअप विंडो ऊपर है जिसको हमें डिसेबल करके रखना है। काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट तो 3 सेकंड हम कर सकते हैं, यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं तो 3 सेकंड ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए सेट होने के लिए। उसके बाद नीचे रिकॉर्डिंग टूल बॉक्स है, ये सब कुछ डिसेबल करके रखना है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। और टेक्स्ट एंड लोगो अगर आप अपना कुछ लोगो प्लेस करना चाहो स्क्रीन पर तो आप प्लेस कर सकते हो, तो मेरी मानो तो आप वो सब कुछ ना करो, वो बिल्कुल बेकार लगता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, जस्ट अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। पर अभी बात करते हैं कि हमें विद इंटरनल ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करना है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी कोई सी भी अगर ईयरफोन है जो भी हम यूज़ करते हैं तो उसमें माइक के पास एक बटन लगा होता है, तो हम उसी मेथड को यूज़ करेंगे। आपको पहले आप पहले वीडियोज देखी होगी आपने अगर यूट्यूब पर, तो आपको मेथड बताया गया होगा काफ़ी वीडियोज में। तो हमें उसको प्रेस करके रखना होगा किसी क्लिप या कुछ भी चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपली हमें जैसे ही हम अपने गेम प्ले को प्ले कर सकते हैं वैसे ही नॉर्मली प्ले करना है और हमें प्लग कर देना है अपने फोन में। जैसे हम प्लग करेंगे स्क्रीन पर एक विंडो खुल जाएगा गूगल ओके गूगल करके, सो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसे जस्ट बैक कर देना है। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये एक छोटी सी क्लिप देख सकते हो। सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है कि हम अपने गेम प्ले कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं विद इंटरनल ऑडियो। सो जो भी स्टेप्स और मेथड्स मैंने बताए जब जस्ट आपको इनको फॉलो करना है और बस आपका काम हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और सारा कुछ तो क्लियर हो ही चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।